हाय एवरीवन, हैप्पी संडे। आज हम लोग बनाने वाले हैं फ़िश की एक रेसिपी, जिसके लिए हमने 3 पीस के जो फ़िश रखे हैं ना, आपको इसी टाइप के पीसेस लेने हैं और कोई पीस मत लीजिएगा इसके लिए, ये प्रिफरेबल है। 1 चम्मच हल्दी पाउडर है और यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च और तीखी वाली लाल मिर्च दोनों 1-1 चम्मच हम लोग ले लिए हैं। यहाँ पर हम लोग 1/2 चम्मच काली मिर्ची पाउडर जो होता है वो लिए हैं। ये धनिया पाउडर 1 चम्मच है। इसके बाद यहाँ पर है अदरक और लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा अदरक पाउडर भी लिए हैं। ये थोड़ा सा नींबू का रस है। यहाँ पर हम लोग ले लिए हैं चॉप्ड किया हुआ अदरक, आप 1/2 इंच समझ लीजिए, और लहसुन की कुछ कलियाँ जिसको हमने चॉप्ड कर लिए हैं, और 2 हरी मिर्ची चॉप्ड किया हुआ। यहाँ पर हम लोग नमक ले लेंगे स्वाद के अनुसार। ये है दही, घर की दही है, 2 से 3 चम्मच है, ज़्यादा नहीं लेनी है। कड़ी पत्ते हैं, कुछ कड़ी पत्ते हैं, 2 प्याज चॉप्ड किया हुआ, 1 टमाटर चॉप्ड किया हुआ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर विनेगर भी, थोड़ा सा विनेगर लेना है। तो सबसे पहले इन सारी चीज़ों को, जो भी चीज़ें हैं थोड़ी थोड़ी, सबको हमें फ़िश पे कोट करना होगा। तो चलिए सबसे पहले वो कर लेते हैं। तो मछली में हमें सबसे पहले इसमें डाल देना होगा नमक, जो कि स्वाद के अनुसार होगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप मछली में नमक डाल रहे हैं तो कितना डाल रहे हैं, अगर आगे डालना पड़े तो उस हिसाब से डालिएगा। काली मिर्च पाउडर डालेंगे, तीखी वाली लाल मिर्च डालेंगे इसमें हम लोग। अब इसमें हम लोग डाल देंगे हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालने के बाद इसमें हम लोग डाल देंगे थोड़ा सा नींबू का रस है, करीबन 1 चम्मच से 1/2 चम्मच से ज़्यादा नहीं है बिल्कुल। इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट है, विथ थोड़ा सा जो अदरक का पाउडर होता है सौंठ, वो डाल देंगे। एंड इसमें अब हम लोग डाल देंगे थोड़ा सा सरसों का तेल, करीबन 1 चम्मच, ज़्यादा नहीं डालना है। एंड इन सब चीज़ों को डालने के बाद मछली के साथ इसको हम लोग मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसे हमें फ्राई करना होगा, बस आपको ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक सेपरेट पैन ले लीजिए, जिसमें आप सरसों के तेल को अच्छे तरीके से गर्म कर लीजिए। जैसे ही आपका तेल जो है वो बहुत बढ़िया से गर्म हो जाए, अपने मछली के जो पीसेस है ना, जो आपने मसाले के साथ कोट किया हुआ है, बहुत ही केयरफुली इसमें आप डाल दीजिए, बिल्कुल ऐसे। ये देखिए, मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको आपको फ्राई करना होगा, ज़्यादा लो करने की ज़रूरत नहीं है। एंड अच्छे से इसको आपको दोनों साइड अच्छे से फ्राई करना होगा, ताकि मसाले जो हैं वो पक जाए एंड फ़िश में सारी चीज़ें जो है अच्छी तरीके से चली जाए। तो ये देखिए, बढ़िया तरीके से ये फ्राई हो रहा है एंड हो चुका है, इससे ज़्यादा फ्राई होने की ज़रूरत नहीं है। बस इसे अब हम लोग सेपरेट फूड पेपर पे या टिश्यू पेपर पे निकाल के रख लेंगे। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक सेपरेट पैन लेंगे, जिसमें हम लोग सरसों का तेल ऐड कर देंगे, करीबन 2 से 3 चम्मच, ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली अभी हमें मसाले की तैयारी करनी है जो फ़िश में जाएगी। तो तेल डाल दीजिए, तेल डालने के बाद अब इसमें दूसरा प्रोसेस क्या होगा, तेल को गर्म होने दीजिए। जैसे ही आपका जो तेल है वो गर्म हो जाए, तब अपना जो कुकिंग प्रोसेस है वो धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हैं आप। तो जैसे तेल गर्म हो जाए, इसमें आप डाल दीजिए चॉप्ड किया हुआ जो आपने लहसुन लिया था वो, चॉप्ड किया हुआ अदरक था वो, एंड जो हरी मिर्ची थी वो। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से आपको डाल के एंड इन सारी चीज़ों को ब्राउन होने तक आपको फ्राई करना होगा, ठीक है। आपको बढ़िया तरीके से इसको फ्राई करना होगा, जब तक आपका जो लहसुन अदरक मिर्ची है वो थोड़ा सा ब्राउन ना हो जाए एंड बेसिकली इसका जो कच्चापन है वो चला नहीं जाता है, तब तक आपको इसको फ्राई करना होगा। मीडियम टू हाई फ्लेम पे, ज़्यादा लो मत करिएगा। जैसे आपको लगे, ये देखिए आपके जो लहसुन अदरक है अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, आप इस स्टेज पे अपने जो प्याज है कटे हुए वो इसमें डाल दीजिए। तो आपको प्याज को चॉप कर लेना है, स्लाइस नहीं करना है। तो पहले थोड़ा सा डालिए, थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए, फिर बाकी सारे प्याज डाल सकते हैं आप। ऐसा कोई ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पहले डालना है, कम डालना है, नहीं। आपको अगर आपको साथ में सही लगता है तो साथ में डाल दीजिए प्याज। जैसे ही थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, उस स्टेज पे अपने टमाटर जो चॉप करके रखे वो भी इसमें डाल दीजिए। टमाटर डालने के बाद आपको इन सारी चीज़ों को बढ़िया तरीके से भुनना होगा, फ्राई करना होगा, जब तक टमाटर जो है वो स्मसी ना हो जाए तब तक। थोड़ा थोड़ा सा जब ये फ्राई हो जाए, कलर चेंजेस आ जाए बिल्कुल ऐसा, तब इसमें अपने कड़ी पत्ते हैं वो इसमें डाल दीजिए। कड़ी पत्ते डालने के बाद इसे थोड़ा सा आपको फ्राई करना और होगा, बस उससे पहले आपने इसमें डाल देना है थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर एंड काली मिर्ची पाउडर। लाल मिर्ची पाउडर जो हमने कश्मीरी लाल मिर्च ली थी ना, वो इसमें डालना है, क्योंकि हमने तीखी वाली तो ऑलरेडी इसमें फिश में डाल दिया है। अब इसमें हमने हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर,
काली मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, इन सारी चीज़ों का मिक्सचर इसमें डाल के थोड़ा सा नमक इसमें डालना है। अब जैसे कि आपको हम पहले बताए थे, जब आप मछली में नमक डाल रहे हैं तो केयरफुल रहिएगा क्योंकि मसाले में भी नमक जाएगा ही। अब ये सारा चीज़ें चली गई हैं इसमें एंड इन सब चीज़ों को बढ़िया से आपको भुनना होगा बिल्कुल ऐसे, जब तक मसाले टमाटर प्याज जो है वो अच्छे तरीके से भुन नहीं जाते। बहुत ही बेसिक सा कुकिंग स्टेप है ये। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसमें हम डाल देंगे विनेगर, थोड़ा सा इन द सेंस एक चम्मच, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। विनेगर डाल दीजिए, विनेगर डालने के बाद इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से आपको करना होगा मिक्स। तो जितना भी प्रोसेस है ना, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा लेंदी आपको लग रहा होगा बट ट्रस्ट मी बहुत टेस्टी लगेगा ये। तो ये देखिए इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिए हैं, अब ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। यहाँ पे हम लोग अपना जो 2 से 3 चम्मच दही था ना घर का जमाया हुआ, वो इसमें डाल देंगे। दही डालते ही आपको कुछ नहीं करना, तुरंत इसको स्टर कर लेना है कंटिन्यूसली। आपको पता है दही फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर इसको आप पैन में छोड़ देंगे तो प्लीज़ वो गलती ना करें एंड इसको कंटिन्यूसली स्टर करते रहे, तो आप इवेंचुअली देखिएगा दही के साथ मसाले जो है परफेक्टली मिक्स हो गए हैं एंड पक गए हैं। तो ये हो चुका है मसाला रेडी, इसको सेपरेट कर देंगे। अब केले के पत्ते हम लोग एक ऐसा हाफ में कट करके ले लेंगे एंड इसमें एक साथ नहीं, एक एक मछली को डाल के हमें इसको कवर करना होगा, पैक करना होगा। तो केले के पत्ते के नीचे सबसे पहले चॉप्ड किया हुआ थोड़ा सा लहसुन इसमें डाल दीजिए एंड लहसुन डालने के बाद अपने मसाले का जो मिक्सचर रेडी करके रखा था ना वो इसमें स्प्रेड कर दीजिए। बेसिकली बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है, अब बस 10 मिनट का और काम बाकी है। इसको मसाले को अच्छे से स्प्रेड करने के बाद, मतलब बेसिकली ऐसा स्प्रेड करिएगा कि मछली जो है वो अच्छे तरीके से इसमें डिप हो जाए, मतलब चले जाए मसाले के अंदर, एक्स्ट्रा कोई जगह ना बचे। तो ये देखिए अगर आपको लगे कोई और जगह बचा है तो वो डाल दीजिए। ऊपर भी आपको कवर करना है मछली के, सो उसका आपको ध्यान रखना है, मछली के ऊपर इसको कवर कर दीजिए एंड इसके बाद इसे आपको हल्के हाथों से, बहुत ही, अगर फर्स्ट टाइम आपसे ना हो तो कोई टेंशन की बात नहीं, दूसरा पता ले लीजिए, दूसरे बार ट्राई करिए, बट धीरे धीरे आप इसको आराम से पैक कर सकते हैं। पैक करने के बाद एक धागे की मदद से इसको आपको कर लेना होगा पैक, ये देखिए सील कर लेना होगा ताकि ये लेना, बस इसे कर लेना होगा और बाकी के मछली के जो पीसेस है सेम तरीके से सब में कर लेना चाहिए। अब जिसमें हमने मसाले फ्राई किए थे ना, सेम पैन यूज़ करिएगा, दूसरा पैन नहीं, ताकि जो टेस्ट फ्लेवर है वो रहे अपना। आप इसमें क्या करिए, थोड़ा सा तेल हल्का सा बिल्कुल डालने के बाद फ्लेम को कर दीजिए मीडियम, मीडियम फ्लेम पे अपने मछली के जो तीनों पॉकेट्स आपने रेडी करके रखे ना डाल दीजिए। इसको बस 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे आपको रख देना है कवर करके। आप इसको देखिएगा खुद, जब ग्रेजुअली ये 10 मिनट 5 मिनट हो जाएगा तो इसके कलर में चेंजेस आ जाएंगे, केले के पत्ते में ऑलरेडी बहुत सारे चेंजेस आपको दिखने लग जाएंगे। सो इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है कि होगा कि नहीं होगा चेंजेस कलर में, ऐसा कुछ नहीं है। 10 मिनट हार्डली आपको रखना है मीडियम फ्लेम पे। तो जैसे ही आपके जो मछली है उसका कलर चेंज हो जाए, केले के पत्तों का सॉरी, उसके बाद इसको आप आराम से निकाल लीजिए एंड अब चलिए इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो पहले अच्छे से धीरे धीरे आपको धागे को कट कर लेना है एंड इसके बाद इसे खोल के आपको बस इसको निकाल लेना है। अगर आप चाहे तो इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ इसको खोल के आपको दिखा रहे हैं इसका रिज़ल्ट क्या है, एंड रिज़ल्ट। एंड इसको बहुत ही केयरफुली आपको खोलना है क्योंकि सारे मसाले जो है वो इसमें अच्छे तरीके से चले गए हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मसालों के साथ अच्छा सा रेडी हो गया है मिक्सचर एंड बस इसको अभी हम लोग कर लेंगे सर्व और कर लेंगे एंजॉय। ये आप चावल के साथ, नान के साथ, मेरे हिसाब से चावल के साथ तो बेस्ट लगेगा, बट नान के साथ भी ज़रूर ट्राई करिएगा अगर आपके पास मौका है तो। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, वीडियो अच्छी लग रही तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। बाय, टेक केयर एंड वेरी हैप्पी संडे।